आई नो कि प्रिपरेशन अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया अच्छे से, बट आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो करना चाहिए जितना मैं कराती हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टर्म में आपको कितना हेल्प करेगा ये आप जब अभी करोगे ना तब लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस ले पाओगे, ट्रस्ट में। तो अभी से स्टार्ट करो कैटेगरी ड्राइंग। कैटेगरी ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कैटेगरी ड्राइंग्स कर लेते हो ना उसके बाद यू आर एबल टू ड्रॉ एनीथिंग, लाइक एनीथिंग। ओके, इस वाले वीडियो में हम करेंगे बर्ड्स की कैटेगरी, और बर्ड्स की कैटेगरी में मैं एक बर्ड में कलर करूँगी। आप उसको सेम टू सेम कलर अप्लाई करके आप प्रैक्टिस करना और भी बर्ड्स में। ओके, एंड आप मुझे टैग कर सकते हो इंस्टा पे और मुझे सेंड भी कर सकते हो पर्सनली। मेक श्योर यू हैव अ ड्राइंग नोटबुक एंड कलर पेंसिल्स। ओके, सो लेट्स गो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सेकेंड कैटेगरी, दैट इज़ अ बर्ड। और बर्ड को ड्रॉ करने के लिए आपको उसके सिल्वेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक शेप बनाओ पहले, जस्ट लाइक आई एम डूइंग, उसी तरीके से आपको भी करना है। एंड जब बेसिक शेप हम बना लेते हैं उसके बाद आप उसमें डिटेलिंग करते हो, ठीक है। डिटेलिंग करने के बाद आपको पूरा प्रॉपर वही बर्ड मिलता है जो आप बनाना चाहते हो। ओके, सो आप चाहो तो आप रेफरेंस पिक्चर से भी बना सकते हो, बट मेक श्योर कि रेफरेंस पिक्चर में भी आप सिल्वेट फॉलो ना करो, उसमें जो आपको बेसिक शेप दिख रहा है उसको फॉलो करो और बेसिक शेप बनाओ, देन उसमें डिटेलिंग करो। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको दो तीन बर्ड बना के दिखाऊंगी, एक बर्ड में कलर भी करेंगे। सो मेक श्योर आप मेरे साथ करना, एंड जो भी आप बनाओगे जैसा भी बनाओगे जस्ट सेंड मी योर वर्क। ओके, एंड शेयर दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस प्रोसीजर गाइस।
कैटेगरी ड्राइंग की अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी और ये सारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप अच्छे बच्चे की तरह सारा करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा ये फील करने के लिए आपको अभी से करना पड़ेगा. ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ हैप्पी प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट. एंड